अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त था सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं और हमारे कुछ दोस्त जो हैं पाकिस्तान ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं कि मंजिल कहां तक लेके जाती है हमारी सवारी जो है। ये रही, अनबॉक्सिंग कर लें जरा सी। डावर भाई हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमें सी ऑफ करने के लिए आए। ही वॉज इन ट्रिप बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज सम पॉलिटिकल मीटिंग। न्यूज़ ही अनाउंस कर रही है। हां ओके, वाह। मेरा नाम डल रहा है या नहीं डल रहा? आपका नाम तो सरे फैरिस का। क्या बात है। एक और टूर के जो है हमारे साथी जो है फातिमा ही है, मायनाज आर्टिस्ट है। एक और बच्चा भी हमारे साथ, बिल्कुल चिकना बच्चा है। अच्छा, शानी भाई कैसे हैं? आओ, खैरियत है? शानी भाई की तरफ से गाड़ी स्पॉन्सर है, आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम जरा सीटों की। जानी अब तुम नहीं सोए तो हम क्या कर सकते हैं? ये हो गई है बिल्कुल नई नवेली जैसे। आह, चौथा दोस्त हमारा इस घर में रहता है। बट्टी आ जाओ, ये फ्रूट आप लाए? जी भाई, फ्रूट मैं लाया हूँ, केले लाया हूँ। नाइस। ओ वेलकम 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 टू द पार्टी ब्रो। आप एक्साइटेड हैं? हाँ, थैंक यू। हाँ, मजा आ रहा है? आप एक्साइटेड हैं? बिल्कुल। ये क्या कह रहे हैं कि इनको भी लेके चलें? बट्टी भाई की वालदा है। आंटी हैव अ नाइस डे टू। सरला मकान से तलब हुई। यूं बट्टी, फहद, शानी और मैं मुराद नकवी, हम चारों निकल पड़े अपने सफर की तरफ, जिसका वीलॉग तैयार किया और उसका एपिसोड 1 आपके सामने है। एक घिसी पिटी लाइन तो मौजूद है ही, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं दोबारा वीलॉग की तरफ। पहला फ्यूल हम डलवा रहे हैं, इंशाल्लाह पहला फ्यूल हमारा होगा लवला करके। सौराब गोट के बाद जो पहला KFC आता है ना हाईवे पे मेन, बिल्कुल उसके साथ वाले शाल के पंप से। ग्लासेस थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते रहेंगे क्योंकि चार लोग साथ हैं और चारों की ग्लासेस एक्सचेंज होते रहेंगे। और हमने ये कुछ आइटम डाला है, इसके बारे में हमें शानी भाई आगाह करेंगे। ये बेसिकली डीजल एवरेज को बूस्ट करेगा, तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये कितने का मिला है? ये मिला है 2700 रुपए का। टोयोटा का ओरिजिनल आ रहा है, वो आ रहा है 4500 रुपए का, लेकिन ये बेस्ट है, ये जैपनीज। फात भाई, भूख लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है। फात भाई जरा खामोश मिजाज इंसान, तो जब इनसे सवाल करो ये तभी बोलते हैं। $19,227 पहली जो पेमेंट है वो टूर में कंट्रीब्यूशन की, वो मैंने कर दी है। ये जो है हम रुके हैं उस्मानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल पीछे ही, साथ में एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पर आए हम। हाँ, हाल है, हाल में बैठेंगे, हाल में बैठेंगे भाई, आ जाओ। ए लस्सी फुल ऑन सीन, बेहतरीन किस्म का हमारे पास अभी स्टॉक है। बड़े अच्छे सिस्टम में आया ये, इट लुक्स गुड। शानी भाई की तबीयत थोड़ी नासाज है, जैसे अब गरारे करने। सामान बांध रहे हैं हम और कवर भी कर दिया हमने इसको। हाँ जी, हमारी कोशिश ये है कि आज रात में हम लाहौर पहुँच जाए। क्या एक्सपेक्टेड है शानी की, हम लाहौर कितने बजे तक पहुँचेंगे? मेरे हिसाब से हमें 2-3 बजे का लाहौर पहुँचेंगे, लेकिन हम पहुँचेंगे। शाम हुआ बारिश डाला, हम लाहौर पहुँचेंगे। क्या होता है लाहौर? यार क्या तरपाल बांधा है आपने यार? क्या अपनी गलती मुझ पे नहीं डालो, ये तरपाल ना डाला तुमने, रस्सी मैंने, रस्सी चेक करो कैसी, वैसी फिट बंधी हुई रस्सी। अबे रस्सी लूज हो गई। खैर एनीवेज ये जाएगा हैदराबाद आज तक, बहुत उड़ रहा है और इसकी वजह से ना आवाज भी आ रही है गाड़ी में, थोड़ी सी शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। तरपाल खोल के ना भी फोल्ड करके उसको डाल के उसके ऊपर जाल बना दे रस्सी का। मेरा चूरन दे रहा बेड़िया में, गाड़ी चल रही है मेरे बट्टी की पहले। जा गाड़ी उठा भाई, फिर देख चल रहा भाई। नहीं उठा रहा था मेरा बदला में दूसरी पार्टी को भाई। दादा भाई ऐसा नहीं होता है। बट्टी भाई का माशाल्लाह ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना, ये नो भट्टी इंटरप्राइजेस, भट्टी टेक्सटाइल, भट्टी मार्बल्स, भट्टी कैटरिंग, ये भट्टी भाई के पे आ रहे हैं दोनों, वो ट्रांसपोर्ट के काम पे है। इस बंदे से पूछे हुआ क्या यार, ये क्या हुआ आगे? मैं अभी उतरा हूं गाड़ी से, ये हैदराबाद हम क्रॉस कर रहे थे और यहां पे ट्रैफिक जाम है पूरी तरीके से। किसका जाम हुआ है? नीचे मिट्टी उड़ी, मिट्टी का आपका जो शौक है ना मिट्टी उड़ाने वाला। अबे क्या है यार ये, एंड चोद जानवरी जानवरी। अरे भाई तू मुझे फेमस कर देगा।
चल भट्टी तू ना गलत डाली हुई गाड़ी देख अदा दरिया है सिंध पे भरपूर ट्रैफिक जाम है जी। हेलो हेलो I am a hunter and she want to see my gun. When I pull it out, boy, the woman start to run. I am a hunter and she want to see my gun. When I pull it out, boy, the woman start to run. She beg me to see it. गाड़ी हमने रोकी है क्योंकि गाड़ी पे हमें लगानी है अपनी येलो लाइट, येलो शेड्स देने आगे हमें मोटरवे पे प्रॉब्लम ना हो। माशाल्लाह जोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नमाज बहुत जरूरी है, सफ़र में नमाज बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिंध में जो है अल्लाह भला करके किसी का अगर बंद बाथरूम में अगर दम घुट रहा हो तो वो खुले में भी कर सकता है। अच्छा हाँ जी, तो अभी हम लोग हाला में मौजूद हैं और तैयारी कर रहे हैं आगे जाने की इंशाल्लाह बारिश ताला। इसमें अभी हम हवा भर लेंगे। ये कार चलो है ये जो पेपर है, हम पेपर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बड्डी भाई? धुंध के लिए। मैंने अपने भाइयों को पहले ही बताया था कि फॉग के लिए हमें येलो वाला पेपर इस्तेमाल करना है। इन लोगों ने हमें जो ना बिल्कुल इस पे मारा तो अब जो है, लेकिन ये लग रहा है फाइन। रास्ते में रुक के गद्दा नहीं निकाला? गद्दा भी निकाल लेते। बहुत गड्ढे हैं, 3-4 गड्ढे। तो क्या हो गया, इस पे भी चढ़ाएंगे ना? तो शानी जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं आपको क्या लगता है? कह रहे 6 बजे तक हम सकर पहुंचेंगे। नहीं, लाहौर कब पहुंचे? लाहौर तो ब्रो 7। कितना बिल हो गया? लमसम में होगा 1300 रुपये। और यहाँ भट्टी भाई ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक कट लिया जिसमें एक कंटेनर वाला पीछे रह गया और उसकी जान अलग में आ गई, उसके साथ साथ हमारी भी जान अलग में आ गई। इस वक्त 5 बज रहा है और हम लोग रुकते रुकाते गाड़ी को स्पीड से चलाते हुए हम पहुँच गए लड़काना। हम पहुँच जाएंगे लाहौर कुछ 2 बजे तक, आई थिंक सो। हमारी कोशिश ये कि हम मोटरवे जो है ना चढ़ जाएं। मोटरवे पे पुलिस जो है छोड़ नहीं रही आज लोगों को ना, उनकी वजह से हमने तैयारी कर ली है। ड्राइव इस वक्त शानी भाई कर रहे हैं, आगे एंजॉय कर रहे हैं बड्डी भाई। फात भाई नींद की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। और इस वक्त रात का कुछ 1 बज गया है इंशाल्लाह वबारक ताला, 1 घंटा और लगेगा और हम लोग इंशाल्लाह वबारक ताला लाहौर में होंगे। लाहौर में हम जो है हमारा इंतज़ार हो रहा है, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। और इसमें जो हमें इस वक्त 2 बजे लाहौर पहुँचाया है, इसमें सरासर हाथ जो है भट्टी भाई का है। भट्टी भाई ने गाड़ी को ये खींचा, ये खींचा, वो खींचा। हम आपको अपडेट करते हैं। ये जो अभी हमने आपको दिखाया ना इन वीडियोज़ में जो है धुंध थी, ये आगे धुंध थी और धुंध की वजह से जो है हमें गाड़ी थोड़ी सी स्लो चलानी पड़ रही है। धुंध ऐसा नहीं कंटिन्यूसली है, लेकिन धुंध जो है आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। ये दोबारा आ गई है तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा, देख रहे हैं आपको? यहाँ पे आगे का दिखाऊं आपको? नहीं भाई मुझे नहीं दिख, गंदी बात है, आप कर लो यार। 11 किलोमीटर बैठी थी